हाय लर्नर्स, आज आम एक्सरसाइज 4C रो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा आगे मुझे कतेटा आपको इंपोर्टेंट जिन बुझेदेवा चाहूँगी। दुटा दुटा कनसेप्ट ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाए पूरा एक्सरसाइज रे। दैट फर्स्ट हूँ डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करवा। ये जिनस आगू पढ़ी सारे मुझे बन दौर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक अच्छे तो मैक्सिमम आमर ये रेडियन यूज हम देखो तो से एटलीस्ट आप 180 डिग्री जानते रेडियन वैल्यू से मन रखु 0 डिग्री जीरो हम 30 पाई बाय 6। ठीक है पाई बाय 6 कि देखो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन दट इज इक्वल टू 0 0 छक 8 दट इज पाई बाय 6। सिंपल यहाँ आम बाहर भी करदे पार किसी प्रॉब्लम ना बट स्टिल आपण जो मन रखिए ना आपंकर समय बचे। ठीक अच्छे तो मैं आगे आउ थे कहीदे दैट इज 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 हम 0 रेडियन 30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियन 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियन 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन राइट 120 डिग्री जो 2π/3 रेडियन। ठीक है ये पाई बाय 360 अच्छे तरह 2 टाइम्स इज 120 राइट 135 जो 3π/3 रेडियन 150 डिग्री इज्वल टू 5π/3 रेडियन एंड 180 डिग्री इज्वल टू पाई। एटा आम जानचे राइट एत जिन मन रखे बाकी ये सब क्वेश्चन आसो बोले आम बाहर कर दे पारे जदि कौटी मन कर दूसरी आम 5π/3 मान कौन लिखे आप 5 × 180 °/3 पाई मान 180 सिंपल ये करूँ कट करूँ कौन देखु 60 6×5=30 300 °। एमती बाहर करदे पार बट स्टिल किसी जिनस मन रखिले आपण को एग्जाम रे भी हेल्प हम राइट ये जिन स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु मुझे लिभे दूची क्लीन स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु ये आप चाहिए अलग प्रैक्टिस कर लिखी पारे। ठीक अच्छे डिग्री आ रेडियन को 360 डिग्री 2π/3 जे आमको मन रखा पड़ो। नेक्स्ट हूँ थियोरम 3 जो मो प्रीवियस स्लाइड जो जी भी आम फॉर्मूला बुझे थी जनरल फॉर्मूला से सबको थियोरम 3 रे अच्छे से पूरा पूरा आप मन रखा पड़े बारंबार रिफर कर समय वेस्ट हो राइट। तो ये दुटा जिनस कनसीडर कर दी ये दुटा जिनस बुझी सारे आ मन रही सारे तुम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 1 रो 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट जो आंसर दिखाई तहरु जो स्टेटमेंट दिखाई तार करेक्ट आंसर आप चूज कर लिखा पड़े बोली कहुचे राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिया फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन हो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 sin θ - 1 इज इक्वल टू 0 इज माने 2 sin θ इक्वेशन आपको दिखाई गिवेन इक्वेशन इज 2 sin θ - 1 इज इक्वल टू 0 आर केतटा पॉसिबल सॉल्यूशन बाहरी पार पचार 1, 2 और इनफाइनाइट। ठीक अच्छे माने कौन थीटा रो आमे केतटा वैल्यू बाहर करवा से आमको जनवर अच्छे गोटे बाहर वैल्यू बाहर दुटा वैल्यू बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटा रो सॉल्यूशन बाहर वैल्यूज बाहर सॉल्यूशन बाहर राइट दैट इम्प्लाइज देख मुझे कौन लिख पारि सिंपल रीअरेंज कर 2 sin θ इक्वल टू 1 राइट sin θ इज इक्वल टू 1/2 2 को नहीं सेपटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली दैट इम्प्लाइज sin θ इज इक्वल टू sin केते डिग्री हाफ होउची आमर 30 डिग्री आप मन अच्छे sin θ इज हाफ दैट इम्प्लाइज मु कौन लिख पारे sin θ इज इक्वल टू sin θ माने कौन पाई बाय 6। ठीक अच्छे यहाँ आई होप आपन को मन थी 30 माने पाई बाय 6। तो थियोरम 3 फॉर्मूला यूज कले यूजिंग थियोरम 3 आम कौन जानचे sin θ इज इक्वल जो sin α हम देन थीटा नियंतु एक्स नियंतु थीटार वैल्यू कौन आसला -1/(n α + n π) वेट एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर राइट। तो से हिसाब से आमर ये गिवन इक्वेशन रे आमर अल्फा थीटार वैल्यू कौन आस थीटा इज इक्वल टू -1/(n) को एन रहा अल्फा आमर कौन अच्छे पाई बाय 6 प्लस एन पाई वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। नाउ एटा आमर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 आमर सॉल्यूशन आसला। नाउ एबे देखंतु एन रो जो
एन हूँ एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर गोटे इनफाइनाइट सेट, इंटीजर गोटे इनफाइनाइट सेट, तो आम सल्यूशन कौन इनफाइनाइट होगा, थीटार वैल्यू कौन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशन आसा, तो आम आंसर कौन हो इनफाइनाइट। राइट, सेकेंड क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर वन रो सेकेंड सब क्वेश्चन देखो, दिया है कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा दिया है, देन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, आपको फाइंड आउट करिया जी। राइट, तो गिवेन अच्छे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, जो दुईटे थियोरम थ्री में पुट करी कौन हम अल्फार वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस और माइनस बीटा। राइट, दैट इम्प्लाइज अल्फा कौन है पर अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस बीटा ही पर, और अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस बीटा ही पर, तो ये इक्वेशन हमको दरकार नहीं। राइट, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हमको इक्वेशन फाइंड आउट करिया, तो अल्फा सॉरी अल्फा बीटा जो एपड़ आसे कौन प्लस बीटा इज इक्वल कौन टू एन पाई होगा, वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ना जब एन इज इक्वल टू जीरो पुट कले कौन देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो हम पाखे ऑप्शन अच्छी। एन इज इक्वल टू वन पुट कले कौन हो देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कौन हो टू पाई हो जाए, टू पाई ऑप्शन भी अच्छी। दुईटे जाक आंसर राइट अच्छी, बट बुक रे आप आंसर टू पाई अच्छी, बिकज टू पाई एड़ा निहाजी, बिकज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा निहाँ आंसर टू पाई निहाजी। राइट, तो आंसर हो टू पाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन टू सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज जीरो और वन और इनफाइनाइट हमको चेक करिया अच्छे। ठीक अच्छे, गिवेन इक्वेशन आंसर जीवा, गिवेन इक्वेशन आम कौन अच्छे टू सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज मुझे कौन लिख पार टू सेक थीटा इक्वल टू माइनस वन, दैट इम्प्लाइज सेक थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू। राइट, नाउ सेक थीटा इज माइनस वन बाय टू आम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल रे सेक थीटा रो माइनस वन बाय टू किसी वैल्यू नाई। राइट, सेक थीटा रो को भी एंगल पाई माइनस वन बाय टू आसुनी, तो आर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन आसीबो किसी आसीबन इज जीरो। ठीक अच्छे, बिकज ये माइनस वन बाय टू रो सेक थीटा रो माइनस वन बाय टू सेक थीटा जो माइनस वन बाय टू किसी वैल्यू ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रे, तो सिंपल लिख देवे नो सॉल्यूशन, आंसर इज योर जीरो। राइट, क्वेश्चन नंबर फोर करंतु, फोर्थ क्वेश्चन देखंतु, टेन थीटा इज टू टेन अल्फा दिया है एंड अल्फा रा वैल्यू 90 रु 180 डिग्री भितर अछि, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री अछि, देन थीटा कैन बी इन डैश क्वाड्रेंट, को क्वाड्रेंट रे थीटा रा वैल्यू रहबो से चेक करिया छै। राइट, आंसर है जीवा, गिवन 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो यूजिंग थ्योरम तो हमें कौन लिख पार थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस अल्फा, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। नाउ लेट एन इज इक्वल टू जीरो पुट करिया, तो थीटा इज इक्वल टू कौन हो जाउछ अल्फा हो जाउछ, माने थीटा रो वैल्यू कौन हो जीवो 90 रु 180 भीतर हो जीवो, 90 रु 180 माने को क्वाड्रेंट आसी हमरो रे जीरो जदि नबा दिस इज 90 दिस इज 180 270 अगेन 360, तो 90 टू 180 माने कौन 90 रु 180 सेकंड क्वाड्रेंट हो जीवो, बट सेकेंड क्वाड्रेंट आम ऑप्शन रे नाई, तो एन इज इक्वल टू जीरो आम कनसीडर करिवानि। नाउ एन इज इक्वल टू वन नहीं देख, तो थीटा इज इक्वल कौन हो गला पाई प्लस अल्फा, एन इज इक्वल टू वन ने पाई माने कौन 180 डिग्री प्लस अल्फार वैल्यू रेंज फ्रॉम 90 टू ग्रेटर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 टू 180, 90 टू 180 माने कौन हम आम 90 टू 180 रे अच्छी प्लस 180 डिग्री माने कौन फोर्थ क्वाड्रेंट आसो देखो, तो जदि अल्फार वैल्यू 90 रु 180 भितर को भी गोटे वैल्यू नौ मन करूँ अल्फा इज इक्वल टू 120 नवा,
120 डिग्री नेले कौन हम 120 180 प्लस 120 डिग्री दैट इज कौन हम आमर 300 डिग्री 300 माने कौन आस थर्ड क्वाड्रेंट आस 150 नियंतु 150 नेले कौन हम 180 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 0 8 4 12 13 3 1 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट आस तो एन इज इक्वल टू 1 हेले आमर थीटार वैल्यू कौन आस फोर्थ क्वाड्रेंट आस अगेन जो एन इज इक्वल टू 2 हेले अगेन 2 पाई हो जो सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट भितर ही थीटा वैल्यू आसो बिकॉज सेकेंड ऑप्शन दिए तो आंसर कौन आसे मोर फोर्थ क्वाड्रेंट आसो राइट नेक्स्ट करंदो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखंदो 10x * 10 2x * 10 3x = 10x + 10 2x + 10 7x दिया है सिमिलर क्वेश्चन हमर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4c रो क्वेश्चन नंबर 4 रो डबल एक्स रे भी अछि दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 4 रो 28th क्वेश्चन रे अछि ठीक अछि आरो सिंपल ट्रिक अछि देखन तो एठी पूरा x को ऐड करंतु सिंपल ट्रिक मु एक क्वेश्चन नंबर 4 रो 20th रे आपन पूरा डिटेल रे बुझेबी बिकॉज़ इट इज शॉर्ट क्वेश्चन त आपन ट्रिक होच सिंपल ऐड करंतु x x रो वैल्यू x + 2x + 7x दैट इज x + 2x + 7x दैट इज कोन हला 10x तो आप आंसर आसो 5/10 सिंपल आंसर केमी आसला आम क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व करिया क्वेश्चन नंबर 4 रो 20th क्वेश्चन सॉल्व करिया से आपको क्लियर हो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखु फॉर डैश वैल्यू ऑफ थीटा थीटार को वैल्यू पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो रूट हम आमको फाइंड आउट करा ठीक अच्छे गिवन इक्वेशन अच्छी जिनस कर सारी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू बोथ साइड जब रूट टू रे डिवाइड करी बोथ साइड को रूट टू रे जब डिवाइड करी कौन आसो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गला बोथ साइड एल एच एस आर एच एस को रूट टू रे डिवाइड कर दिली दैट इंप्लाइज मु कौन लिख पारि साइन थीटा इंटू कॉस 45 दैट इज 5/4 आम रूट 1/√2 अच्छे प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 45 डिग्री पाई बाय 4 आमर 1/√2 अच्छे इक्वल टू 1 तो यहाँ आम कौन फॉर्मूला देखो साइन आमर फॉर्मूला कौन थी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू फॉर्मूला कौन थी साइन एक्स प्लस वाई से फॉर्मूला ये पुट कले कौन आसो दैट इम्प्लाय साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 एक्स को थीटा निंतु वाई को पाई बाय 4 नहीं निंतु दैट इज इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज मु कौन लिख पारि साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री आमर 1 आपन सब जणा छै साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 दैट इज साइन पाई बाय 2 ठीक अछि रेडियन फॉर्म तो मु कौन लिख पारि थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 2 दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन बाहर कौन हम 2 पाई माइनस पाई एलसीएम बाहर कल दैट इज पाई बाय 4 दिस इज योर आंसर थीटार सल्यूशन कौन आसा पाई बाय 4 पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो रूट हम दैट इज आंसर इज पाई बाय 4 नेक्स्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 7 देखु द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हम एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो कंडीशन बहुत इंपोर्टेंट मन रखें ये क्वेश्चन पर इज केतरा सल्यूशन हो पार एक्स रहा फाइंड आउट करार अच्छे राइट आमर इक्वेशन कौन दिखाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिखाई दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स कौन हम आम रूट ओवर 1 दैट इज प्लस और माइनस 1 तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 हो पारे और कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 हो पारे जदि कॉस एक्स इज प्लस 1 है दैट इम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू कौन हमर कॉस 0 डिग्री हम कॉस 0 हमर 1 जदि कॉस इज माइनस 1 है कौन हम कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इज माइनस 1 राइट तो सॉल्यूशंस कौन आसला हमर एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री हो पारे और एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो पारे बट आम सेकेंड कंडीशन कौन दिखाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होबार छ तो एक्स रो वैल्यू 180 अच्छी इट कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 4 तो ये आम सॉल्यूशन हेनी तो एक्स इज इक्वल टू 0 0 आमर एक्स इज इक्वल टू 0 आमर सॉल्यूशन हम तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन केतरा हो गला 1 हो गला दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इज योर आंसर
नेक्स्ट करूँ क्वेश्चन नंबर एट देखु इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इटा मन रख इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने 0 to 90 degree और 0 to π/2 degree भितर आमको सल्यूसन बाहर करवेसन दिखाई टेन स्क्वेर थीटा इज्वल टू 3 ठीक अच्छे तो इक्वेशन दिखाई टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू 3 दैट इम्प्लाइज 10θ इज इक्वल टू रूट प्लस और माइनस रूट 3 राइट प्लस और माइनस रूट 3 तो 10θ कौन आसला हमरो या तो प्लस रूट 3 हम और 10θ इज इक्वल टू माइनस रूट 3 हम जदि 10θ जो प्लस रूट 3 हो तो आम जानचु 10 60 इज इक्वल टू रूट 3 10θ इज इक्वल टू 10 60 degree दैट इज कौन लिखे 10θ इज इक्वल टू 10π/3 degree π/3 radian राइट π/3 सिमिलरली 10θ इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अच्छे तो माइनस रूट 3 आम नहीं पार बिकज माइनस वैल्यू आम फर्स्ट क्वाड्रेंटर ना से 0 to 90 degree बोली कहुला फर्स्ट क्वाड्रेंटर आम कौन माइनस रूट 3 ना ठीक अच्छे 10θ इज इक्वल टू माइनस रूट 3 कैसे अच्छे θ इज इक्वल टू 120 degree 10 120 degree आमर माइनस रूट 3 अच्छे 10 120 मैंने कौन अच्छे 2π/3 थीटार वैल्यू कौन है 2π/3 ये थीटा कौन आसला π/3 बट 2π/3 आम फर्स्ट क्वाड्रेंट ना 2π/3 कौन 120 degree 120 मोर देन 90 degree तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आम कौन आस 0 to 90 दिस इज 180 तो 120 आम सेकेंड क्वाड्रेंट आस तो ये वैल्यू आम नबानी तो वैल्यू कौन थीटा इज टू π/3 दिस इज योर आंसर सिंपल राइट नेक्स्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा थीटार लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हम फाइंड आउट कर फॉर व्हिच 1 + 10θ इज इक्वल 0 एंड √2cos θ + 1 इज इक्वल 0 तो माने एठी हम थीटार वैल्यू फाइंड आउट करवा एठी हम थीटार वैल्यू फाइंड आउट करवा जो ता भीतर जो लिस्ट अछि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा जे सेटा हम ये इक्वेशन रो ये ऑप्शंस रो छि नहीं देखिया थरे राइट आंसर है जीवा फर्स्ट मो इक्वेशन हो छि 1 प्लस एंड दिया छि माने आइरे थीटा वैल्यू आस्तु हो छि आइरे थीटा वैल्यू आस्तु ठीक अछि ये दिटा रो लिस्ट वैल्यू हम नेबा इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज 10θ हमर कोन होइला -1 दैट इंप्लाइज 10θ इज इक्वल टू 10 - 1 माने कोन 10 135 degree आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समको मन अच्छे दैट इज 135 माने कौन हम 3π/4 दैट इम्प्लाइज 10θ इज इक्वल टू 10 3π/4 मुझे केमती लिखिल देख सिंपल 3 × 180 degree पाई माने 180/4 ठीक अच्छे आपको क्रॉस करूँ आप 135 degree आस सिंपल सिंपल क्रॉस करके आपन को सल्यूशन आसत डरिया दरकार 3π/4 केमती लिखाई गला राइट से मुझे कहले आप मन रखनी तो आप इजी हे तो थीटा ये कौन आसगला मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा 3π/4 आसगला राइट और मिनिमम वैल्यू मैंने आम जदि फर्मूला पुट करिया मन करूँ आपको तो थीटा जदि थ्योरम 3 यूज करिया थीटा हम आप कौन हम n π + 3π/4 व्हेन n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव माने n इज इक्वल टू 0 मन कर थीटा कौन आस 3π/4 राइट ये थीटार वैल्यू 3π/4 आसला सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कौन अच्छे √2cos θ + 1 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज √2cos θ इज इक्वल टू -1 दैट इम्प्लाइज cos θ इज इक्वल टू -1/√2 दैट इम्प्लाइज cos θ इज इक्वल टू cos -1/√2 कौन अगेन 135 degree दैट इज 3π/4 सिंपल ठीक अच्छे अगेन थियोरम तो रिपोर्ट कला आम कौन हम थीटार वैल्यू 2n π + or - α 3π/4 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 ना मिनिमम वैल्यू नौ n इज इक्वल टू 0 ना कौन थीटा इज इक्वल टू +or - 3π/4 तो ये देख थीटा इज 3π/4 आसला ये +or - 3π/4 आसला लिस्ट पॉजिटिव कही तो -3π/4 आम कनसीडर करवानी तो थीटार वैल्यू कौन आस 3π/4
कॉमन धीरे जाए तो ये ऑप्शन अच्छी 3π/4 दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर 110 देखो लास्ट क्वेश्चन, द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स रो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमको फाइंड आउट करिवार छि, फॉर व्हिच 10 3x इज इक्वल टू 10x दिया है। ऑप्शन अच्छी 5/2 5/3 5, राइट सिंपल क्वेश्चन अच्छे अपन आगे कर भी सारी। गिवेन इक्वेशन कौन अच्छे आमर 10 3x इज इक्वल टू 10x दिया है, ठीक अच्छे। आपको जदि मु थीटा ने भी, आपको जदि अल्फा ने भी, और थ्योरम 3 पुट कले यूज कले कौन हम 3x रो वैल्यू कौन आस एन पाई प्लस एक्स वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, दैट इंप्लाइज बिकॉज एक्स रो वैल्यू हमको सॉल्यूशन बाहर करिया जे, तो एक्स को मैं पुट आनी 3x - x इज इक्वल टू एन पाई, राइट प्लस एक्स आर एच एस रो एल एच एस एल माइनस इज, दैट इज 2x इज इक्वल टू एन पाई, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 आसला, राइट वेर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। हमको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करिया जे एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक अच्छे। ये पॉजिटिव वैल्यू अच्छी और लिस्ट नंबर भी अच्छी, देखो तो ऑप्शन अच्छी कि 5/2, यस दिस इज योर आंसर, ठीक अच्छे। क्वेश्चन 1 सॉरी गला, मु होप करछु जति क्वेश्चन हमन बुझा पड़ जाय थियो, जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट करंतु, एंड अगेन मु आरो पीडीएफ भी अपन दे दोची नोट्स डाउनलोड सेक्शन रे अच्छी, मिनिमम पेमेंट करी अपन डाउनलोड करनी परिबे, राइट। तो अपन फर्स्ट पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, तापर जो वीडियो देखिए बोला अपन पूरा पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जियो। ये वीडियो पई अतकी थैंक यू।